नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक पवार आपका स्वागत करता हूं policyplanner.com के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेके हम आए हैं। एसबीआई का एसबीआई म्यूचुअल फंड का एक नया एनएफ आया है, न्यू फंड ऑफर आई है, जो कि 10 रुपए से चालू हो रहा है फंड, जिसका नाम है एसबीआई डिविडेंड यील्ड फंड। जो फंड है 20 फेब से स्टार्ट हो गया है, जिसकी आखिरी डेट है 6 मार्च 2023। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक वॉच कीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, हम आपको इसकी गारंटी देते हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम लोग इसकी देने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तो इसमें एसबीआई के जैसा ब्रांड हो तो क्या बात है। तो स्टेट बैंक का ब्रांड है एसबीआई का। मैं आपको बताना चाहूंगा कि टोटल एयूएम, जिसको बोलते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो है वो इंडस्ट्री में सबसे बड़ी है, सबसे ज्यादा है। मैं आपको बताना चाहूंगा आज की डेट में 7,22,000 करोड़, 7,22,000 करोड़ रुपए लोगों ने एसबीआई के माध्यम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। हाँ जी दोस्तों, एसबीआई सबसे टॉप में बनता है आज की डेट में म्यूचुअल फंड एज अ एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो आगे बढ़ते, एसबीआई का विश्वास है और एसबीआई ने ये जो फंड लाया है एसबीआई डिविडेंड यील्ड फंड, इसको पहले जान लेते हैं। एसबीआई डिविडेंड यील्ड फंड मतलब क्या है? तो एम्फी ने जितने म्यूचुअल फंड के टाइप्स बनाए हैं, लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, मल्टी कैप फंड, मल्टी एसेट फंड, थीमेटिक फंड, और जिसमें और एक ऑप्शन दिया है जिसका नाम है डिविडेंड यील्ड फंड। तो डिविडेंड यील्ड फंड मतलब क्या है पहले जान लेते दोस्तों, ये जानना आम आदमी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। मतलब म्यूचुअल फंड आपका क्या करेगा, पैसा आपका पैसा लेकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। तो जहां पे स्टॉक्स आपको अच्छा डिविडेंड देते हैं उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा, रेगुलरली कंसिस्टेंसली, जहां पे हाई लेवल का डिविडेंड मिलता है। अभी कौन सी कंपनी डिविडेंड देती है अपने स्टॉक होल्डर को, अपने शेयर होल्डर को? जहां पे कंपनी पैसा कमाती है, पैसा कमाएगी। मैंने आप मान लीजिए आपके मेरे कंपनी में आपको पार्टनर बनाया, शेयर होल्डर बनाया, और मेरी कंपनी पैसा कमाती है तो मैं मेरे शेयर होल्डर को पैसा डिविडेंड के माध्यम से देता हूं दोस्तों। तो डिविडेंड देने वाली कंपनियां मतलब प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां है, रेगुलरली डिविडेंड देने वाली मतलब रेगुलरली प्रॉफिट अर्न करने वाली कंपनियां है। ओके, तो ये बात जान लीजिए कि जहां पे प्रॉफिट बन रहा है फंडामेंटली वेरी स्ट्रांग कंपनीज ही इसमें ली जाएगी, टेक्निकल एनालिसिस इसमें ज्यादा काम नहीं करेगा। फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग, जिनका बिजनेस बहुत ग्राउंड लेवल पे स्ट्रांग है, ऐसी कंपनियों के स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट होगा। लगभग 50 से 60 से ऊपर स्टॉक्स इसमें लिए जाएंगे, तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। ओके, इसके बाद जान लेते हैं, तो डिविडेंड मिलता है इसके कारण क्या होता है कि कंपनी का स्टॉक भी बढ़ता है। किसी भी कंपनी ने अनाउंस किया कि मेरा जो स्टॉक है इसका डिविडेंड का ये डेट है, तो उसके स्टॉक में एप्रिसिएशन मिलता है, तो एप्रिसिएशन भी मिलेगा और डिविडेंड भी मिलेगा, यही इसका थीम है दोस्तों। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है आज की डेट में म्यूचुअल फंड में। डिविडेंड यील्ड फंड में सिर्फ 8 ही फंड है। सबसे बड़ा एयूएम रखने वाला एचडीएफसी का फंड है जो 3000 करोड़ का एसेट रखता है। दो नंबर पे है यूटीआई डिविडेंड यील्ड फंड, 2800 करोड़ का उसमें एयूएम है। ओके, सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला आज की डेट में डिविडेंड यील्ड फंड है, जो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का। तो दोस्तों, एसबीआई का भी अच्छा ही रहेगा। इसके जो फंड मैनेजर है रोहित शिंपी करके, सीएफए है, ओके, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट है, जो एसबीआई के ऑलरेडी 11 फंड मैनेज करते हैं, लगभग 7000 करोड़ का एयूएम मैनेज करते हैं, तो अच्छे फंड मैनेजर है। ओके, पहले तो कंसेप्ट हमने समझ ली कि ये डिविडेंड यील्ड फंड क्या होता है। तो दोस्तों, इसमें 500 रुपए का भी एसआईपी आप कर सकते हैं मिनिमम, और जो मैक्सिमम इसका लिमिट कुछ भी नहीं है, एज का कोई लिमिट नहीं है। अगर माइनर बंदा है, मतलब बच्चा है, तो उसके बिहाफ में जो गार्डियन है उसको साइन करना पड़ता है। केवाईसी के लिए नॉर्मल डॉक्यूमेंट लगते हैं, आधार, पैन, आपका फोटोग्राफ वगैरह। हम आपको लिंक देंगे, हमारी वेबसाइट पे जाइए, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, हम आपको समझाएंगे कैसे करेंगे, या हमें कॉल भी कर सकते हैं, हम आपको प्रॉपरली समझाएंगे। हम चाहते हैं कि इसमें आम आदमी पार्टिसिपेट हो दोस्तों, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आज की डेट में सिर्फ 4% लोगों का इन्वेस्टमेंट है, जबकि एफडी में 40% लोगों का इन्वेस्टमेंट है। जबकि डिविडेंड यील्ड फंड का आप हिस्ट्री चेक करोगे ईयर ऑन ईयर, मतलब एक साल का हिस्ट्री चेक करो, 3 साल का चेक करो, 5 साल का चेक करो, तो आपको लगभग लगभग अगर आप लमसम की बात करोगे तो 12 से 15%,
और SIP में भी आपको 14-15% आराम से रिटर्न मिलता है। तो दोस्तों इन्फ्लेशन को बीट करने वाला डिविडेंड यील्ड फंड है, SBI का है, ओके। जिसमें आप ये जान लीजिए कि आपको गारंटेड, आप एक अगर SIP के माध्यम से जाते हो और एक लंबा अवधि के लिए आप पैसा इसमें रखते हो SIP में, तो इसमें आपको जरूर 15% एक अप्रोक्सीमेटली रिटर्न मिलने के बहुत चांसेस है। और बाय द वे इसमें आपको बताना चाहूंगा, ये ओपन एंडेड फंड है। ओपन एंडेड फंड मतलब इसमें आप बाद में भी पैसा डाल सकते हो, ओके। लेकिन शुरुआत में क्यों जाना है, क्योंकि एक कारण रहता है, एक नया फंड है, एक नया एक एक्साइटमेंट है, और आपको 10 रुपए से मिलेगा। अगर आप कोई बंदा है जो 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करेगा तो 10 रुपए से उसका 10,000 पूरे पूरे यूनिट्स मिलेंगे, एक भी कम नहीं मिलेगा। देर इज नो एंट्री लोड फ्रॉम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, ओके, देर इज नो एंट्री लोड। और एग्जिट लोड 1 साल के पहले आप निकालते हो तो 1% के करीब है, अदरवाइज एग्जिट लोड भी नहीं है दोस्तों। इसमें देखिए नए लोगों ने भी जाना चाहिए और जो ऑलरेडी इन्वेस्टर है उन लोगों ने भी जाने का हम लोग यहाँ पे रिकमेंडेशन आपको देते हैं। क्यों? क्योंकि नया है जो, उसने तो म्यूचुअल फंड में जाना ही चाहिए, क्योंकि आज हम देखते हैं कि आपको गोल्ड में, FD में, PPF में या LIC की कोई पॉलिसी में कहीं पे भी आपको 7.5% से ऊपर रिटर्न्स नहीं मिलते। तो यहाँ पे आपको इन्फ्लेशन को बीट करके 12-15% आपको यहाँ पे मिलने का बहुत अच्छा चांस है। इंडिया का इकोनॉमी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है, हम लोग 6.5% का GDP रख रहे हैं मार्केट में, ऑल ओवर वर्ल्ड से इंडिया की इकोनॉमी में लोग पैसा लगा रहे। तो हम इंडियंस कहाँ जाए, तो हम लोग, हमने भी इंडिया के इकोनॉमी में पैसा लगाना चाहिए दोस्तों। तो देखिए और एक यहाँ पे बात बहुत जरूरी बनती है कि डिविडेंड यील्ड फंड और बाकी के फंड में क्या डिफरेंस है। तो बहुत सारे फंड है, लॉन्ग लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, और ये सेपरेटली आया है डिविडेंड यील्ड फंड। तो डिविडेंड यील्ड फंड आप समझ लीजिए कि आपको यहाँ पे स्टॉक्स कौन से लेने वाले ये देखने की जरूरत नहीं है, ओके। आपने SBI पे विश्वास किया, SBI ने फंड मैनेजर अपॉइंट किया, उनकी रिसर्च टीम है, वो सबसे ज्यादा हाईली डिविडेंड कंसिस्टेंसली पे करने वाले डिविडेंड के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो डिविडेंड उनका नॉर्मली रहेगा 7-8% एप्रिसिएशन भी रहेगा, तो मान लीजिए दोस्तों 14-15% आपको मिलेंगे। और इसमें आपको एक अच्छी और एक बात बताने की कोशिश करेंगे हम लोग कि इसमें टैक्स फ्री रिटर्न्स कैसे आप इसमें अर्न करें। जी हाँ दोस्तों, कोई रिटायरमेंट को आया हुआ बंदा है जिसके पास मान लीजिए 10,00,000 रुपए है, तो 10,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट आप इस फंड में करोगे तो हम लोग इसको SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल के माध्यम से आप इसमें 10% पर एनम के हिसाब से एजम्पशन की 15% रिटर्न आने वाले, लेकिन मैं पकड़ दो कि 10% ही आएंगे मिनिमम, पकड़ के 10% में मतलब लगभग मंथली में 9,000 रुपए 10,00,000 के अगेंस्ट विड्रॉ करूंगा, 9,000 रुपए लगभग विड्रॉ करूंगा, तो साल के मेरे बनेंगे 10,00,000 के अगेंस्ट 1,00,000 रुपए। तो 1,00,000 रुपए जो है म्यूचुअल फंड में टैक्स फ्री रिटर्न्स माने जाते हैं। 1,00,000 तक का प्रॉफिट जो विड्रॉ किया है वो टैक्स फ्री माना जाता है, उसके ऊपर आपको 10% टैक्स लाइबिलिटी आती है अगर आप ऑलरेडी टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो, दो यू आर इनटू 20-30% ब्रैकेट। तो दोस्तों ये एक नया आइडिया है कि आप 10,00,000 रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट करो, 1,00,000 रुपए साल का पैसा निकालो मतलब मंथली 10,000 रुपए, और जो बचेगा उसके ऊपर भी पैसा बनता रहेगा वो अलग से मिलेगा। अगर फंड आपको 14-15% रिटर्न दे रहा है तो और भी मिलेगा। लेकिन दोस्तों जिनके पास समय है मिनिमम से मिनिमम 3 साल, तो उन्होंने इस फंड में आना है, ये शॉर्ट टर्म के लिए फंड नहीं रहता। मार्केट अभी लगभग 59,000 के ऊपर सेंसेक्स चल रहा है, तो हम आपको बताएंगे कि इसमें 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल के एक व्यू रख के इसमें आइए, और बहुत अच्छा फंड है। हमारा जो वेबसाइट है fortunemf.com, उसके थ्रू आप जा सकते हैं, हमारा ऐप भी है fortunemf, और हम में और बाकी के इसमें क्या फर्क है, तो हम लोग पर्सनलाइज सर्विस में बिलीव करते हैं। आप एक कॉल कीजिए, हमारे जो एक्सपर्ट लोग हैं आपको पूरी जानकारी देंगे, पूरी आपको कोशिश करेंगे कि लेमैन इन्वेस्ट करने जा रहा है तो उसका हम एक माइंडसेट समझते हैं कि उसको पूरी जानकारी हम देंगे, उसको पूरा हेल्प करेंगे। इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन बहुत आसान भी नहीं रहता, उसके उसको पूरी तरह ध्यान दिया जाएगा उसके ऊपर, और भी सभी टाइप के फंड्स का जानने के लिए हमारे चैनल को वॉच कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।